सरस्वती नमः स्वाहा। ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम आदित्याय 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 नमः स्वाहा। आचार्य जी आपका स्वागत है। कि हम हवन क्यों करते हैं? बहुत अच्छा शिष्य, बहुत अच्छा। हम मैं बताता हूँ हम रोजाना हवन क्यों करते हैं। हमारे ऋग्वेद में प्रतिदिन हवन करने की बात कही गई है। हवन करने से वर्षा होती है और वर्षा होने से ये जो हमारी धरती है ये हरी भरी हो जाती है। और यह धरती हरी हरी की चुनरी ओढ़े इस खूबसूरती को देख कर तनाव में हुआ व्यक्ति की प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। इस ऋग्वेद को सुमेशो ने अपने सर्वप्राचीन ग्रंथ में सूचीबद्ध किया है। जो हमें ये चारों से घिरे है वही हमारा पर्यावरण है। दस पावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। एक फूल का पुत्र हो सकता है पर लेकिन वृक्ष हमारी सदैव रक्षा करेंगे। इन वृक्षों में देवों का वास माना गया है। मैं आयु बढ़ाता हूँ। मेरे प्रत्येक भाग में औषधियों का पर्याय है। मेरी धातु करने से पायरिया तथा धातु से जुड़ी बीमारियों में लाभ मिलता है। आयु बढ़ाता व्याधि निधाना, आयु बढ़ाता व्याधि निधाना, धातु से होता पीड़ा निदान, धातु से होता पीड़ा निदान। अंग पचन औषधि रूपा, अंग पचन औषधि रूपा, शुभ नाम मेरा नीम धनेरा, शुभ नाम मेरा नीम धनेरा। मैं पीपल हूँ। बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरे नीचे बैठने की सलाह देते हैं। गीता में श्री कृष्ण खुद को मेरे रूप में स्वीकार किया था तथा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने मेरे नीचे बैठकर ही सिद्धि प्राप्त की थी तथा बुद्ध ने भी मेरे नीचे बैठकर ही उन्हें आत्मबोध प्राप्त हुआ था। वह इसलिए मैं सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष हूँ, इसलिए तो मेरा नाम पीपल है।
मेरे लेकिन बच्चों अब मेरा कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए बच्चों आप मेरे अंग संग के साथ ज्यादा समय बिताएं, इससे आप स्वस्थ रहेंगे तथा मुझे वृक्षों का राजा माना गया है, इसलिए तो मैं विष्णु का पर्याय माना गया हूँ। विष्णु का पर्याय देव में पीपल, विष्णु का पर्याय देव में पीपल, जीवन चर्या का साथी में पीपल, जीवन चर्या का साथी में पीपल, बुद्ध भी बैठे मेरे जो नीचे, बुद्ध भी बैठे मेरे जो नीचे, वेशाकी की महता जो मुझसे, वेशाकी की महता जो मुझसे। मैं बरगद हूँ, अमरता का पर अमरता का वरदान प्राप्त हूँ, आपको शीतलता मिलेगी। जीवन में प्रत्येक प्राणी को भी शीतलता का भाव अपनाना चाहिए। सती सावित्री ने भी मेरे नीचे बैठकर व्रत के प्रभाव से अपने पति के प्राण यमराज से वापस मांग लिए थे। इसी कथा के आधार पर सभी सुहागन स्त्रियां मेरी पूजा करती है। मैं उन सभी के पतियों की दीर्घायु के लिए उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरी जटाएं नीचे की ओर जाती है, इसलिए मैं शिव का पर्याय हूँ। अमरता का पर्याय बरगद हूँ मैं तो, शीतलता का जरिया हूँ मैं तो, जटाएं जो पहली गहरी सी मेरी, पूजे सभी जो शिव रूप में भी। मैं आवरा हूँ, नेत्र विकार हृदय विकार को ठीक करता हूँ, मैं शीतलता देता हूँ। मैं आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हूँ, मैं बहुत सी व्याधियों का खात्मा करने की अद्भुत शक्ति है मुझमें। मेरे मूल में विष्णु, तने में रुद्र, सागर में टहनी में बहुत से देव का वास है। नेत्र विकार और उदर विकार सबका समाधान मुझ में समाया, नेत्र विकार और उदर विकार सबका समाधान मुझ में समाया, देवों का वास भी मुझ में नहाते, देवों का वास भी मुझ में नहाते, आवला जो भी सब जग मनाए। मैं आम का पेड़ हूँ, मैं मुझे फलों का राजा माना गया है, मैं शीतल छाया देता हूँ, मेरे जितने पेड़ लगाओगे उतने ही आपके पितर देव प्रसन्न होंगे। मेरा नाम तुलसी है, मैं त्रितोष अर्थात वार पीपल का उपनाशक हूँ। मेरी गंधबार के साथ जहाँ तक जाती है वहाँ का वातावरण शुद्ध एवं प्रदूषण रहित हो जाता है, इसलिए मेरा पौधा अर्थात तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। वेदों और पुराणादि में मेरा बहुत महत्व है, जिस करके मेरा पौधा अर्थात तुलसी का पौधा है वह किसी तीर्थ से कम नहीं। मेरे पत्तों अर्थात तुलसी के पत्तों में खतरनाक कीटाणु खात्मा करने की एक अद्भुत शक्ति है तुलसी, इसलिए प्रतिदिन मेरी पूजा का विधान है, मुझे विष्णु के लिए भी कहा जाता है। प्रदूषण दूर हो, सुगंध फैला के दिशाओं में तुलसी का मैं पौधा दो। बैठो बैठो, तुम क्यों रो रही हो, अपनी पीड़ा का कारण बताओ। गुरुदेव हमारे को संतान नहीं। ठीक है ठीक है, हमारे ऋग्वेद में वृक्षों का महत्व
बहुत बड़ा है, इसलिए आप वृक्षों को पुत्र के रूप में स्वीकार करके उनको सार्वजनिक स्थलों, राजमार्गों के दोनों ओर और अपने घर में लगाकर उनका जल सिंचन करना तथा जन कल्याण का कार्य करना, अर्थात आप उनको पुत्र के रूप में स्वीकार करना। गुरुदेव, हम आपसे शपथ लेते हैं कि पेड़ पौधों को आप हमारी संतान मानेंगे और आज से हम आपने हमारा पर्दा उठा दिया है। ठीक है गुरुदेव, ठीक है।